बीजेपी वाले ऐसे बकलाते रहते हैं, क्यों कुछ होता है ना तो हट में उसमें ले आते हैं, भाई पॉलिटिशियन ऐसा हो तो कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ ऑल द बेस्ट शाहरुख खान, अपना में मुझे जगाया ऑल द बेस्ट। 9.5 साल के अंदर ना तो कोई फिल्मी डायरेक्टर ऐसा कर पाया है, क्योंकि जितनी भी फिल्म आई जो सरकार सत्ता में उसके तलवे चाटते हुए आई, जैसे कश्मीरी फाइल हो गई, जैसे केरला स्टोरी हो गई, जैसे गदर 2 हो गई, ये सरकार की तलवे चाटने वाली और सरकार को खुश करने वाली फिल्म आई है। ये पहली फिल्म ऐसी आई है सरकार से सवाल कर रही है, ये हम सबकी आवाज है। शाहरुख है ये तो अच्छा हुआ, इसकी बायकॉट नहीं हुई, नहीं तो और ज्यादा कमाती है पिक्चर। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मूवी बनाई गई है, किसी मुद्दे को छोड़ा नहीं गया है, किसान जवान ऐसा कुछ नहीं है, कोई पॉलिटिकल मूवी नहीं है, ये पॉलिटिकल मूवी नहीं है, ये महिलाओं के ऊपर है कि हम क्या नहीं कर सकते। हम बिना हम जैसे को समझदार के समझने के लिए मूवी है ये। मैं कहूंगी आप जिसको वोट देते ना अपना हाथ चुन के 5 साल आप उनसे सवाल करें। अंधभक्तों की दुकान है वो बंद होती दिख रही है, क्योंकि शाहरुख खान ने जो है मोहब्बत की दुकान खोल दी है। और हम सलाम करते हैं शाहरुख साहब का, और इसी तरीके की पिक्चर आनी चाहिए ताकि देश की जनता की आंखें खुल सके, क्योंकि हम लोगों को ये चुनाव के अंदर हिंदू मुसलमान करके लड़ा देते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, जाति के नाम पे लड़ाते हैं, और अपना उल्लू सीधा करके उसके बाद जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। भाई 3 दफे देख चुका, 1 बार और देखूंगा कल का शो। लोगों के प्यार ने शाहरुख खान को जवान कर रखा है, लेकिन मूवी ने शाहरुख खान ने जो संदेश दिया ना वो जनता को जगा दिया है, बिल्कुल झजोड़ दिया है, और इसके नेता जो बीजेपी की पार्टी है वो हरी सदमे में आ चुकी है। बहुत जबरदस्त मूवी है और बहुत अच्छा मैसेज है इस मूवी के जरिए से। मैं समझता हूँ देश की 140 करोड़ जो हमारी जनता है, हर इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए, और ये सरकार को आईना दिखाती हुई मूवी है। क्योंकि जैसे कि गोरखपुर के अंदर ये कांड हुआ था गैस वाला, उसके अंदर डॉक्टर कफील का मामला था जी, ऑक्सीजन वाला मामला हुआ, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हमारे हर साल कई हजार किसान मारे जाते हैं जिनका 40,000 रुपए की खातिर उन पर जो बैंक है दुनिया भर का टॉर्चर करता है, और यहाँ अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ लोग रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं। बहुत अच्छी मूवी है। वहाँ हमारे सैनिक जो है बॉर्डर के ऊपर, उन्हें हथियारों की डील के अंदर जो कमीशन खोरी चलती है नेताओं की एजेंटों की, उनकी खातिर हमारे सैनिक जो है वो शहीद होते हैं बॉर्डर के ऊपर। ये बहुत अच्छा मैसेज है, ये बहुत बढ़िया मैसेज है। और चुनाव क्योंकि 2024 का करीब है, देश की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला जो वोट है वो बहुत सोच समझ के करें। जाति धर्म के नाम पर कोई भी आके किसी भी तरीके से गलबला है उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आने वाले नेता से ये पूछो कि आने वाले 5 साल में आप हमारे लिए क्या करेंगे। आरोप लग रहा है कि ये देखिए पॉलिटिकल मूवी है और पॉलिटिक्स पे बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पॉलिटिकल मूवी नहीं है, ये पॉलिटिकल मूवी नहीं है, ये महिलाओं के ऊपर है कि हम क्या नहीं कर सकते। हम बिना हम जैसे को समझदार के समझने के लिए मूवी है ये। मैं कहूंगी आप जिसको वोट देते ना अपना हाथ चुन के 5 साल आप उनसे सवाल करें। हक है हमें, बुकला गए बीजेपी वाले ऐसे बुकलाते रहते हैं, क्यों कुछ होता है ना तो हट में उसमें ले आते हैं, भाई पॉलिटिशियन ऐसा हो तो कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ ऑल द बेस्ट शाहरुख खान, अपना में मुझे जगाया ऑल द बेस्ट, सारी महिलाओं को जगाया। यहाँ 9.5 साल के अंदर ना तो कोई फिल्मी डायरेक्टर ऐसा कर पाया है, क्योंकि जितनी भी फिल्म आई जो सरकार सत्ता में उसके तलवे चाटते हुए आई, जैसे कश्मीरी फाइल हो गई, जैसे केरला स्टोरी हो गई, जैसे गदर 2 हो गई, ये सरकार की तलवे चाटने वाली और सरकार को खुश करने वाली फिल्म आई है। ये पहली फिल्म ऐसी आई है सरकार से सवाल कर रही है, ये हम सबकी आवाज है। बहुत जबरदस्त मुद्दा उठाया है, और हम सलाम करते हैं शाहरुख साहब का, और इसी तरीके की पिक्चर आनी चाहिए ताकि देश की जनता की आंखें खुल सके, क्योंकि हम लोगों को ये चुनाव के अंदर हिंदू मुसलमान करके लड़ा देते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, जाति के नाम पे लड़ाते हैं, और अपना उल्लू सीधा करके उसके बाद जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। महंगाई चरम पे है और हम लोगों को इन्होंने धर्म और जातिवाद के अंदर इन्होंने उलझा रखा है। तो ये शाहरुख खान को हम दिल से सलाम करते हैं, शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया फिल्म। जहाँ पर नफरत की राजनीति थी शाहरुख खान ने मोहब्बत की एक पैगाम चला दिया। बेशक, और हर हिंदुस्तानी को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के, जात बिरादरी से ऊपर उठ के, उन पार्टियों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें जो घटिया राजनीति करती, नफरत की राजनीति करती। मोहब्बत की जरूरत है हम लोगों को, प्यार की जरूरत है, देश को एकता की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत पैसा वसूल, बहुत अच्छी लगी भाई वीडियो, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी, वेरी गुड, बार बार देखने का मन कर रहा। भाई 3 दफे देख चुका, 1 बार और देखूंगा कल का शो, और बताओ। बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत अच्छा दिखा रखा है इस मूवी में। सर आज तक बॉलीवुड में ऐसी मूवी नहीं आई, आज तक ऐसी आई नहीं, आज तक आई नहीं, रियल चीज दिखाई है उन्होंने जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज दिखाई है। तुलना की जा रही थी गदर और जवान से, क्या लग रहा है इसमें कुछ अंतर? गदर कुछ नहीं है इसके आगे, गदर कुछ नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज दिखाई है।
गदर में तो लड़ाई झगड़ा दिखाया था खाली। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा मूवी है ये, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोग को। युवाओं के लिए ही तो बेटर वो है, जो दो मिनट की जो लास्ट की ये उंगली दिखाई है ना शाहरुख खान ने, वही तो मेन है, उसी की वजह से मूवी देख रहे हैं। मेरी भी चौथी बार है, आज मैं फैमिली को लेकर आया हूँ। पहले मैंने 3 दफ़ा फ्रेंड के साथ देखी, नाइट शो देखा, सब इसी में ही देखा, और उसके बाद आज फैमिली को लेकर आया हूँ। ये बेटा है मेरा, वो मेरा साला है, और बाकी अंदर है कैंटीन में बैठे हैं। अब शो स्टार्ट होगा तो उसके बाद मैं जाऊंगा अंदर। जनता के मुद्दे जवान के जरिए दिख गए, वो आप खुद देखो ना, जनता कितनी सारी है। शाहरुख 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 मेन ही शाहरुख है, इसमें और कौन है। ये तो अच्छा हुआ इसकी बाइकॉट नहीं हुई, नहीं तो और ज्यादा कमाती है पिक्चर। 56 साल के शाहरुख जवान कैसे आखिर? जवान ही है शाहरुख, आर्मी का जवान है। उस जवान का मतलब यह है वो आर्मी का जवान है। लोगों के प्यार ने शाहरुख खान को जवान कर रखा है, लोगों को इतना प्यार है, ये जनता का प्यार है जो शाहरुख खान को जवान कर रखा है। और जवान उसने नाम दिया आर्मी, वो आर्मी का बंदा इसलिए जवान बोलते हैं, आर्मी के बंदे को जवान बोलते हैं इसलिए नाम लाया है। मोहब्बत की दुकान खुली है, नफरत को मिटाने मोहब्बत की दुकान शाहरुख खान ने खोली। 11 10 में से 10 की कोई काउंट ही नहीं है, आगे की बताओ। 10 की कोई काउंट नहीं है, आगे की बताओ। आगे की बताओ, 10 की कोई काउंट ही नहीं है। 100 में से भी कोई काउंट नहीं है मूवी का। मैं अपना पैसा खर्च करके यहाँ पर मूवी देख रहा हूँ, तो कोई काउंटिंग के लिए थोड़ी देख रहा हूँ। इसकी काउंटिंग है ही नहीं, काउंटिंग नहीं है। अपने वक्त की काउंटिंग निकाल कर मूवी देखने आया हूँ तो इसकी क्या काउंट होगी। किंग खान, बादशाह खान, शाहरुख खान, मैंने 2 बार देखी है, एक बार बतरा पे देखी है, डिलाइट पे देखने आया हूँ, ओखला से आया हूँ मैं देखने जी। मैं अपने भाई को लाया हूँ उसको दिखाने, मैंने जबरदस्त मूवी है, इसने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है इस मूवी में। बाकी इससे जबरदस्त ओहदा है, उससे बढ़िया ओहदा और किसी का हो नहीं सकता। जागरूक हो गए मेरे से लोग, बिल्कुल 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 आईने दिखाया इसने हमें, बहुत अच्छी बात। अभी फिल्म बहुत अच्छी गई है, बहुत बढ़िया फिल्म है। हाँ जी देख लिया, बहुत बढ़िया मूवी है। हाँ जी यूपी से देख लिए, यस कैसी लगी? सुपर हिट। अरे फिल्म है बहुत ही अच्छी है, और जो अंधभक्तों की दुकान है वो बंद होती दिख रही है, क्योंकि शाहरुख खान ने जो है मोहब्बत की दुकान खोल दी है। और जो इनकी बहन को उठाई गिरा मारू, जो उठाई गिरा देश में मोहब्बत नफरत फैला रहे ना, उनकी जो है दुकान अब बंद हो चुकी है। उन्होंने अपने चैनल बना लिए नफरत फैला कर कमा रहे हैं, लेकिन लोगों में प्यार खत्म कर रहा है। लेकिन इस मूवी के जरिए लोगों में जो है प्यार आपसी बढ़ेगा। नाम उनका है दीपक जी हैं, बहुत ही खराब इंसान है। उन्होंने मोहब्बत कभी देश में फैलाई नहीं, हमेशा नफरत फैलाई है। और उनको ये नहीं पता जो इस देश में देने वाले हैं मिसाइल मैन, वो भी एक मुसलमान है, यही कह रहे हैं। लेकिन मूवी ने शाहरुख खान ने जो संदेश दिया ना, वो जनता को जगा दिया है, बिल्कुल झजोड़ दिया है। और इसके नेता जो बीजेपी की पार्टी है वो खड़ी सदमे में आ चुकी है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मूवी बनाई गई है, किसी मुद्दे को छोड़ा नहीं गया है। किसान, जवान और जनरल पब्लिक सबके मुद्दों को ध्यान में रख के बनाई गई है। हमलावर तो हो ही गई है, बोल रही है तो कांग्रेस के इशारे पर। सरकार तो बीजेपी की आएगी, पर मुद्दे जरूर ध्यान में सबको उठाने की जरूरत है। सरकार जिसकी आए आए, बात खत्म। लग रहा बॉलीवुड में ऐसा कोई स्टार पहले नहीं कर पाया, शाहरुख खान ही एक लुक है। मूवियाँ पहले भी बनी है, पर इस बार ये केवल बंदे के दिमाग को नया करने के लिए बनाया गया। मूवी पहले भी बन चुकी है, अभी देखी नहीं है। बहुत मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया गया इसमें, जैसा कि सबने बताया, इन भाई ने बताया, जबरदस्त। वो तो बादशाह है एक्टिंग का। मूवी बहुत बेटर बनी है। आज के डेट में जो हिंदुस्तान के अंदर में क्राइम हो रहा है, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस सबको उजागर किया गया है इस मूवी में। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस मूवी का जो नाम जवान दिया गया है, इसलिए कुछ लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आया कि ये मूवी बनी किस लिए है। नहीं तो इसका हिंदुस्तान में जो विरोध होता, अभी तक कितनी आगजनी हो गई होती। शाहरुख खान तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे हीरो हैं, और शाहरुख खान ने जो अपने ट्रीजर में और अपने ट्रेलर में जो डायलॉग नहीं डाले हैं ना, वो एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। उन्होंने पठान जब उन्होंने रिलीज़ करी थी, पठान जब वो लेके आए थे, तब भी उन्होंने इसका प्रमोशन नहीं किया था। शाहरुख खान को प्रमोशन करनी भी आती है, अपनी फिल्म को दिखाना भी आता है। इसमें जो लास्ट में हेल्थ मैनेजमेंट में कांग्रेस के इशारे पे बनी है क्या ये फिल्म? नहीं बिल्कुल नहीं, बीजेपी वाले ऐसे बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गोरखपुर कांड जो बच्चों की जो डेथ हो गई थी, आपको पता होगा, इसमें सारी चीज़ें ना, इसमें पूरी कॉन्सेप्ट जो है फिल्म का बहुत अच्छा दिया गया है। सोशल एक्टिविटी पूरी इसमें दिखाई गई। मूवी धमाल कर रही है सर, धमाल बवाल कर रही है।